हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बृहस्पतिवार 20 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 40। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। और इसके साथ बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको इंग्लिश में और इसके आंसर्स आपको इंग्लिश में चाहिए, तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके ये वर्कशीट इंग्लिश में देख सकते हैं और इसके आंसर्स इंग्लिश में देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है, उसके बाद जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर लिख लेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर और देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है, इस साल मैंने और मेरे भाई ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने की योजना बनाई, इसलिए हमने इस पर कार्टून के साथ दो पतंगे बनाई। हमने विशेष आकार की अपनी पतंग भी बनाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है एक छात्र के बारे में कि उस छात्र ने और उसके भाई ने इस बार इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे पतंग उड़ाने की योजना बनाई। और वो लोग बाहर से तो पतंग लेकर ही आए, लेकिन साथ में उन्होंने घर पर भी कुछ पतंगे बनाई। ठीक है, वो पतंगे कैसी थी? वो पतंगे कुछ इस प्रकार की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने पतंगों के ऊपर कुछ कार्टून बनाई हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये वाली पतंग देख पा रहे हैं, इस वाली पतंग में इन्होंने चिड़िया की शेप की ये पतंग बनाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये चिड़िया की आंखें हैं, ये उसका उसकी चोंच है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फैदर्स हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने चिड़िया की शेप की बनाई है। और इसके अलावा ये कुछ पतंगे बनाई है जिसमें कि उन्होंने आंखें बना दी है, नाक बना दी है और मुंह बना दिया, और साथ में यहाँ पे उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये पतंगे खुद घर पे बनाई है। तो इसी के आधार पर हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी में ये लिखा गया है कि आप भी अपनी पसंद के कार्टून के साथ किसी भी आकार की पतंग का चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी में हमें पतंग बनानी है, जिसका आकार आप कुछ भी रख सकते हैं, और साथ ही आप पतंग के ऊपर कोई भी अपने फेवरेट जो भी आपका कार्टून है आप उसकी ड्रॉइंग बना सकते हैं, या फिर उसको उड़ाते हुए या उसके साथ में उसकी कार्टून की ड्रॉइंग आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक आंसर दे दिया है, जिसका यूज करके आप इस तरह की पतंग भी बना सकते हैं और साथ में आप अपने मनपसंद कोई भी पतंग बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक पतंग दी गई है जिसमें कि ये एक सिंपल पतंग है, जिसके ऊपर आप सबका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इस प्रकार का डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, पतंग को आपको ऊपर से तो सिंपल ही बनाना है, और इसके साथ ही आपको नीचे इस प्रकार से जैसे डोरेमोन के पैर है उसका शेप देके आपको इसी पतंग के ऊपर आप डोरेमोन बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, और फिर सेकंड हो गया जहां पे आपको एक यहाँ पे मिक्की माउस दिया गया है। ठीक है, मिक्की माउस यहाँ पर एक पतंग को लेके बैठा हुआ है। ठीक है, पतंग तो सिंपल है, लेकिन मिक्की माउस आप एकदम ध्यान से बनाइएगा, और इसमें आप अपनी पसंद के कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों पतंगे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, ये भी एक कार्टून ही है जो कि पतंग उड़ा रहा है और ये काफी ज्यादा खुश है। ठीक है, तो आप इस प्रकार की ड्रॉइंग भी बना सकते हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो पतंग लेकर भाग रहा है और वो काफी ज्यादा खुश है। ठीक है, और अगर आपको कोई सिंपल पतंग बनानी है तो आप इस प्रकार की पतंग भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप पहले जो काइट है उसका डिजाइन आप दे दीजिए, फिर उसमें बीच में आप आंखें बना दीजिए, फेस बना दीजिए, है ना, और उसके बाद उसका जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, उस पर कुछ और डिजाइन भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई सिंपल काइट भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल काइट दी हुई है। ठीक है, काइट बनाने के बाद सिर्फ इस पर डिजाइन थोड़ा कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्स यहाँ पे बना दिए अलग अलग कलर के। ठीक है, और साथ में अलग अलग कलर दे दिया है काइट पर, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन दे दिया है, थोड़ा इसका जो टेल है इस पे भी इस प्रकार का डिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो आप इन पतंगों को देख के आप अपनी पसंद की कोई डिजाइन जो है बना सकते हैं, और साथ में कार्टून कैरेक्टर भी इसके ऊपर बना सकते हैं। और ये ड्रॉइंग बनाने के लिए आप अपना पूरा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आपकी वर्कशीट में आज के लिए सिर्फ यही एक्टिविटी है, जिसमें कि आपको सिर्फ पतंग ही बनानी है कार्टून कैरेक्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वर्कशीट और इसमें दी गई एक्टिविटी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए, तो इसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका लिंक मैं उस चैनल पर डाल देता हूं। इसके साथ ही बच्चों, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। ठीक है, मिलता हूं आपको कल शुक्रवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए
स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।